हे गाइस, वेलकम बैक टू बसी की रेसिपी एंड व्लॉग। मैं उषा यादव। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ कानपुर के फेमस आलू चाट। तो गाइस, ये कानपुर में इतने फेमस हैं कि जो खाता है वो बार बार मांगता है खाने के लिए। आपको हर एक स्टॉल पे कानपुर में ये आलू की चाट मिलेंगे और आपको उसका रेसिपी देख के खाने का मन हो जाएगा, आप लोग को मुँह में पानी आ जाएगा। और आप लोग ना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और माउथ वाटरिंग को कंट्रोल करना गाइस, क्योंकि बहुत स्पाइसी और चटपटा बनता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक कानपुर की फेमस रेसिपी बताऊं, ताकि आप लोग देखो और मुझे सपोर्ट करो। देखो कितना अच्छा टेस्टी बनता है, आप लोग भी बनाना, बहुत ईजी है, कम समय में बनने वाला कानपुर का फेमस चाट, वेरी टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने ले ली फ्रेश धनिया, मेन इसमें धनिया का मेन रोल है, और ये हमारे बॉयल आलू हैं। तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे बना रही हूँ, वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, आगे देखिए ये कैसे बनेगा गाइस। तो देखिए, मैंने ले लिया अपना सिलवट, आप मिक्सी जार भी ले सकते हैं। ये हमने ले ली 4 लहसुन की कली, 4 मिर्च और अदरक। और गाइस, इसके बाद से हम लेंगे ये धनिया, और आपको इसकी डंडी नहीं फेंकनी होगी, मेन स्वाद आपकी इस डंडी में है, तो आपको इसमें डंडी भी पीसनी है गाइस। देखिए, तो ये हमारी धनिया की चटनी पीस कर रेडी हो चुकी है। और गाइस, इसमें हम अभी ऐड कर देंगे ये नमक चटनी में गाइस। तो देखिए, हमें ये आलू को बर्ड्स टुकड़ों में कट करना था, तो हमने इसे कर लिया, मेरे बड़े आलू थे। और ये हमारी धनिया की चटनी। एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा हीट हो चुका है, मैं बताऊंगी आगे मैं कैसे बना रही हूँ गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे 1 पिंच जीरा, 1 हमारा काफ़ी अच्छा चटक जाएगा, तब हम इसमें यहाँ पे आलू डालेंगे गाइस। ये हमारे आलू हैं गाइस, यहाँ पर हम डालेंगे ये आलू बाइट्स में कटे हुए। आलू हमने डाल दिए हैं, अब हम इसको इस तरह से चलाएंगे, थोड़े से इसको हमें अच्छा सा इसमें सिक लेने देना है गाइस। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार हल्का काला नमक, क्योंकि हमने चटनी में तो ऑलरेडी नमक डाला है, तो हम इसमें हल्का सा डाल लेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। गाइस, तो देखिए हमारे आलू रेडी हो गए हैं, अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे चटनी वाले बाउल में। गाइस, तो देखिए हमने यहाँ डाल दिया। गाइस, तो देखिए हमने इसे अलट पलट लिया। गाइस, तो चाट बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। अगर आपके पास यहाँ पे खटाई पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये हमारे कानपुर की फेमस चाट बनकर तैयार है, और ये खाने में बहुत टेस्टी। अगर आप लोग को खानी है तो आ जाओ मेरे संग, और देखो बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग भी ट्राई करना। मेरे मुंह में तो वाटर आ रहा है, वाह वेरी टेस्टी गाइस, बहुत टेस्टी हुई है, आप भी ट्राई करना ये कानपुर की फेमस चाट गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो में बने रहे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू गाइस।